नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेट मैनेजर रुपेश सिंह के चर्चित हत्याकांड को लेकर बिहार में सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मामले में अपराधी कोई सूत्र छोड़कर नहीं गए हैं। बिहार पुलिस पर भरोसा रखिए, बिहार पुलिस सीबीआई से भी ज्यादा सक्षम है। मामले की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। इसके बाद लोग सुशील मोदी को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने सुशील मोदी को राज्य के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोपों की याद दिलाते हुए स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें सुशील मोदी ने लालू प्रसाद की बेनामी संपत्ति को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। यूजर ने लिखा कि अभी हुई होगी सीबीआई से ज्यादा सक्षम, पहले तो नहीं थी शायद, है ना सुशील मोदी। मोहम्मद रिजवान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में सरकार नाकाम है, पता नहीं क्यों 15 साल में भी नीतीश कुमार राज करना नहीं सीखे, शासन चलाना नहीं सीखे, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इन्हें इस काबिल बनाया ही नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि शायद आपसे नीतीश कुमार को कोचिंग लेनी चाहिए। इसके अलावा और कई यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख प्रयासों के बाद भी राज्य में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राजधानी पटना में 12 जनवरी को इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की कुल 20 टीमें तहकीकात में लगी है, लेकिन पुलिस अभी तक रुपेश के हत्यारों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला भी हो सकता है। संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि रुपेश के शूटर राज्य से बाहर भाग चुके हैं। पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने और इसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए सभी कोशिशें कर रही है, लेकिन नतीजा अभी तक सुन ही रहा है। आपको बता दें कि रुपेश सिंह की हत्या के बाद पटना सहित उनके गृह जिला छपरा में भी लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। घटना के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में पत्रकारों से बात भी की थी। वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश सिंह के गांव जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इससे पहले राजधानी पटना में पत्रकारों ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश से कई सवाल किए। मुख्यमंत्री लगभग 10 मिनट तक पत्रकारों से उलझते रहे। पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने खुद डीजीपी को फोन लगा दिया। मुख्यमंत्री के फोन को डीजीपी एसके सिंघल ने दो रिंग में ही उठा लिया था। सीएम ने डीजीपी से नाराज होते हुए पूछा था कि आप फोन क्यों नहीं उठाते। उन्होंने फोन पर डीजीपी से यह भी कहा था कि इसके लिए वो एक आदमी रख लें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।